वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम भाइयों। तो आज हमारा है तो आज थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट चेंज करा है मैंने। आज हम करेंगे चेस्ट होम वर्कआउट की, मतलब तीन एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने मतलब जो स्कूल्स वाले बच्चे होते हैं वो कैसे अपने घर में अपने थोड़ा मतलब फिटनेस फ्रीक बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज चेस्ट वर्कआउट है, ऐसा होम वर्कआउट सेशन अब हमारा चालू होगा। हर वीक एक वीडियो डलेगी, जैसे आज चेस्ट है तो नेक्स्ट संडे आपको बैक वर्कआउट की डलेगी, फिर बाइसेप, फिर ट्राइसेप, एक दिन लेग की भी डाल देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अब ये कंटिन्यू होगी सीरीज़, ठीक। तो आज हमारा चेस्ट है, तो फर्स्ट सेट जो हमारा होगा 100 रैप्स लेने हैं हमें। तीन टाइप की पुशअप्स बताऊंगा मैं आपको, जो आपको 100 रैप्स लेके अपना क्लियर करना है, जिससे आपका इसमें आएगा मिड चेस्ट का आपका ट्रेन होगा, अपर होगा और लोअर चेस्ट ट्रेन होगी आपकी, ठीक है। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करेंगे वीडियो को, तो आगे तक देखनी है, एंड तक करना है और भाई सपोर्ट करनी है वीडियो को, ठीक है। ऐसे आप लोगों के लिए और कंटेंट भी आते रहेंगे। चलो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो नॉर्मल फ्लैट जो अपनी पुशअप्स होती है ना, वैसे पुशअप्स मारने हैं हमें। 100 रैप्स का सेट होगा जिसमें आप अपना डिवाइड कर सकते हो कि आपको मतलब 20-20 के 5 सेट्स मारने हैं, 10-10 के 10 सेट मारने हैं, ठीक है, या 5-5 के 20 सेट मारने हैं। मतलब जैसा आपकी स्ट्रेंथ इस टाइम आपको अलाउ कर रही है उस हिसाब से आपने आपको पुश करना, ठीक है। ये नहीं कि अब मैं 20 के 5 सेट मारूँगा, ठीक है, तो आप भी मतलब 20 के 5 वो 5 सेट मारो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी जैसे स्ट्रेंथ आपको अलाउ कर रही है आप वैसे करो। आप 25 के भी सेट ले सकते हो या एक 50 का मार लो, 2 50 के मार लो, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी फ्लैट जो अपनी पुशअप्स होते हैं वो, ठीक है। चलो ज़्यादा आपको हाथ ऐसे नहीं कि ऐसे ज़्यादा ब्रॉड रखना है, कि ज़्यादा ब्रॉड रख के भी कुछ ज़्यादा नहीं, शोल्डर पे आपका जो रेल डेल्ट है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा ब्रॉड भी रखना, अपने शोल्डर के हिसाब से हाथ को आपको ये पोजीशन रहेगी आपकी। देखो जैसे आपके शोल्डर है इसके हिसाब से आपको ऐसे अपने हाथों की पोजीशन डिसाइड करनी है। तो स्टार्ट करते, देखो जैसे अभी हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ है, 20 रैप्स का पहला सेट था हमारा जो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपको 5 सेट लेने हैं, 20-20 के 5 सेट लोगे वो आपके 100 रैप्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ये आपका जो ये हमारा फ्लैट बेंच वाला मतलब फ्लैट पुशअप्स है जो हमारी, ये हमारा आएगा मिड सेक्शन आएगा चेस्ट की, ठीक है। तो ये आपने तो अभी अपना मिड सेक्शन अपना ट्रेन कर लिया, ठीक है। ऐसी पाँच, अगर आपको इंटेंसिटी हाई करनी है या तो आप रैप्स के वो बढ़ा देना कि 150 रैप्स ले लेना, अगर ये आप स्टार्टिंग में ही हो, ठीक है, तो इतना आपको हाई जाने की वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपना ऐसा 20-20 नॉर्मल अच्छे से 30-50 सेकंड का रेस्ट लेना बीच में और आप स्टार्ट करना। जैसे जैसे आपको एक महीना हो जाएगा फिर आपको लगता है कि आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है थोड़ी, तो अपना रेस्ट टाइमिंग कम कर देना, ठीक है। अभी आप 50 सेकंड का रेस्ट ले रहे हो या 1 मिनट का रेस्ट ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप लेना 30 सेकंड रेस्ट लेना, फिर आपको 30 सेकंड भी ठीक लगने लगे, हाँ भाई चलो अब ठीक है मेरी इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई है, तो आप फिर और जो आपका रेस्ट टाइम है वो और कम कर देना, 20 सेकंड्स कर देना, ठीक है। तो ऐसी हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी जिसके लिए हमें आपके घर में भगोना होगा थोड़ा, ठीक है, जिसमें आप दूध वूध गर्म करते होंगे तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, जो आपका इंक्लाइन बेंच प्रेस होता है जैसे, ठीक है, वो आपके इंक्लाइन पुशअप्स हो जाएगी। जो आपका आएगा अपर सेक्शन आएगा, आपका जो चेस्ट का अपर सेक्शन होता है उसके लिए होगी वो एक्सरसाइज, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलो भाई, तो भाइयों दो भगोना है जैसे मेरे पास, हाँ आप ईट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे 3 या 2 ईट आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, जैसा आपका जैसे आपकी हाइट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप 2 या 3 ईट का यूज़ करना। और ये इंक्लाइन पुशअप्स होगी अपनी जो हमारी अपर चेस्ट को ट्रेन करेगी। तो वही सेम टू सेम जैसे अपना हाथ जिस हिसाब से रखना है आपको, जैसे मैंने बता दिया शोल्डर के अकॉर्डिंग अपना हाथ रखना और अब पुशअप्स मारेंगे हम, ठीक है। Yeah.
ठीक है, तो आपको पूरे 20 का रैप लेना है कंप्लीट। मैंने वीडियो ज़्यादा वीडियो में डालेंगे नहीं, इसलिए 15 का रैप लिया है। ठीक है, अच्छे से ऊपर जब आप आओ ना, स्क्वीज़ करना है अपनी चेस्ट को, ठीक है। और जो आपका रेस्ट टाइम हो 30-50 सेकेंड, 1 मिनट, जो भी आपका रेस्ट टाइम हो, उसमें आप अपना जो आपकी ब्रेथ है वो कम से कम आप 10 सेकंड होल्ड करके ऐसे आगे दोनों हाथों को पकड़ के ऐसे ऐसे पुश करना, ठीक है, जिससे आपका जो चेस्ट का जो अभी पंप है उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो होगा, जो और आपके मतलब जो जो चेस्ट की जो आपकी मसल्स को बढ़ाने में बहुत इम्पैक्टफुल होगा वो, क्योंकि जिस हिसाब से आपका ब्लड फ्लो आपके चेस्ट में फैलेगा उस हिसाब से आपका साइज़ भी अच्छे खासा तरीके से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है जो चेस्ट का, ये हो गया आपका अपर सेक्शन के लिए। अभी जो मैंने पहले बताई थी वो तो आपका मिड सेक्शन के लिए चेस्ट की, और ये हो गया आपका अपर सेक्शन के लिए। तो ऐसे ही आपको थर्ड जो चेस्ट की एक्सरसाइज है उसमें आपको आपके पैरों के पास 3 ईंट लगानी है, ठीक है। 3 ईंट हो या फिर ऐसे भगोने हो, जो भी हो, आपको अपने पैरों के नीचे लगाना है। मैं दिखाऊंगा नहीं इसको लगा के, लेकिन आप ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा नहीं है ये भगोना, इसलिए है ना। और 3 ईंट आप लगाना अपने पैरों के नीचे, उसके बाद आप दोबारा से चेस्ट स्टार्ट करना, चेस्ट की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करना। तो यूज़ कर सकता हूँ, कर लूँ, ठीक है। तो भाई मैंने परमिशन लिया है, लेकिन आप हो सके तो बर्तन में ट्राई करना पैरों के नीचे, ठीक है, अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें खाना बनता है। आप 3 ईंट ट्राई करना, हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ये थोड़े कम हाइट के हैं तो थोड़ी ज़्यादा हाइट रखना इनक्लाइन के लिए, जैसे, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं, ये मैंने 10 का सेट लिया है, ठीक है, आप लोगों को खाली दिखाने के लिए। हाइट थोड़ी अच्छी खासी रखना, इतनी हाइट रखना, 3 से 4 ईंटें रखना अपने पैरों के नीचे। उसके बाद स्टार्ट करना आपके थर्ड एक्सरसाइज है, जिसमें आपका पूरा आपका हमने मिड सेक्शन चेस्ट का ट्रेन कर रखा है, अपर भी कर लिया है, ये आपका लोअर के लिए हो गया। और भाइयों ये आप ट्राई करना 1 मंथ के लिए, आपको बिल्कुल ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपके चेस्ट के वर्क, मतलब आपको चेस्ट देखने में आपको फ़र्क पता चलेगा कि आपकी चेस्ट पहले कैसी थी और कैसी हो गई अब, ठीक है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। जो मतलब कुछ बंदे इंट्रोवर्ट होते हैं कि मतलब अभी मेरा कोई साइज़ नहीं है, मतलब अभी मैं दिखने में भी मतलब सही नहीं लगता, तो वो जिम जाना प्रेफर नहीं करते, शर्म आती है उनको। मैं भी ऐसी था, लेकिन शर्म ना ही करो तो ही बेटर है। अगर आपको शर्म आती है ज़्यादा कि आप नहीं जा सकते, तो आप ये वर्कआउट अपने घर पर भी कर सकते हो। तो भाई चलो, होम वर्कआउट की पहली अपना जो सीरीज़ है इसकी पहली वीडियो हमने बना ली है, मतलब बना ली क्या, बन गई है, और आप देख भी रहे हो इस टाइम, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ भी, जो मतलब थोड़ी अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता हो। तो हमारे चैनल का नाम है एम फिटनेस ब्लॉग, तो सब्सक्राइब करना और बने रहना। डेली आपको मतलब हफ्ते में एक आपकी ऐसी होम वर्कआउट की मतलब सीरीज़ आती रहेगी, सीरीज़ की वीडियोज़ आती रहेंगी, और डेली आपको शॉर्ट्स में इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखना, जिससे हमारा कनेक्शन ऐसे ही बनता रहे मजबूत। चलो भाइयों, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको पुशअप्स भी नहीं मारने आती, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी हाउ टू डू पुशअप्स करके एक वीडियो बना रखी, मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, फिर मैं डिसकंटिन्यू हो गया था, ठीक है, लेकिन अब मैं कंटिन्यू ही हूँ। तो मैं अपने उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर जिसको पुशअप्स मारने नहीं आती, बहुत बिगनर होते हैं जिनके हाथों में मतलब इतनी पावर भी नहीं होती, स्ट्रेंथ भी नहीं होता, ठीक है, तो उनके लिए वो वीडियो बनाई गई थी मेरे, मतलब मैंने बनाई थी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, जिनको पुशअप्स मारने आती, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करो, पहले वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। चलो भाई मिलते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राम भाई।